इस ट्रेवर भैया की शादी के लिए पूरी तैयारियां हो चुके हैं, सारे डीजे वगैरह पहुंच चुके हैं। मिनी फॉर्च्यूनर डीजे क्या दुराटे काट रहे हैं पे, ओम फो भाई, रेंज रोड डीजे भाई एक नंबर लग रहा है। बस भी जाने वाली अपने ट्रेवर भैया की शादी में, देख सकते हो। ओ ये क्या लग रही है भाई, ट्रक डीजे भी अपना जा रहा है अपने ड्राइवर भैया की शादी में। ओ ये सो यो सब गाइस, कैसे आप लोग, खूब करता हूँ सब, मजे में एक और GT5 की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो देख सकते हो गाइस, हम आ चुके हैं आप सब लोग के लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेके। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है काफी बेहतरीन। कैसे होने वाली है, फाइनली आज निकलने वाले ड्राइवर भैया की शादी की बारात। तो गाइस सारे डीजे पहुंच चुके हैं, सब कुछ पहुंच चुके हैं, हमें भी थोड़ा तैयार होना है। तो तैयार के लिए हमने नई नई चीजें मंगाई है, वो आज हम पहनने वाले। उससे पहले एक जाम लगा लिया जाए, क्योंकि ड्राइवर भैया की आज फाइनली शादी की होने वाली है। एंड आज निकलने वाली है डीजे की पूरी बारात, जो जो हमने डीजे फाइनल किए हैं गोकुल धाम के, वहां से निकलेगी। एंड हम जाएंगे काफ़ी दूर पहाड़ों में, जो ड्राइवर भैया का मतलब पहाड़ों के उस साइड उनका मतलब कि जो शादी होने वाली है वो वहां पे बुक किया है हमने, काफ़ी अच्छा पार्क सा, तो वहां पे शादी होगी। एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, और कमेंट भी कर देना कैसी लगने वाली आज की आपको वीडियो। तो वो आप लास्ट में ही करना, ताकि पूरी वीडियो देखने के बाद। तो गाइस अभी तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं मारूंगा डुबकी, उससे पहले करूंगा अपना ब्रश वगैरह एंड अपना बॉडी क्लीन वगैरह, उसके बाद मारेंगे डुबकी। क्योंकि भाई साहब ये जो कपड़े ना 3-4 दिन से पहन रखे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा काम था ड्राइवर की शादी में। आप सब लोग पूछो मत, बहस की आँख ही होगी। तो देख सकते हो मेरी डेंट किट वहाँ पर रखी है, देख सकते हो पूरी कोलगेट वगैरह, ब्रश वगैरह अपना, जो यहाँ से साबुन निकलता है, यहाँ पर हाथ धोते हैं, यहाँ पर हगते हैं, इधर की साइड नहाते हैं, यहाँ पर शावर वगैरह लगा रखा है मस्त, यहाँ पे नहाएंगे। एंड फिर मिलते हैं आप सब लोगों से पूरे रेडी होके आउटफिट में। एंड हम यहाँ से लेके चलेंगे अपनी स्कॉर्पियो, तो लेट्स गो। सो गाइस तुम्हारा भाई हो चुका है बिल्कुल रेडी, देख सकते हो भाई, कटिंग वगैरह करवा के, पूरे शेव वगैरह अच्छे से करके, मतलब दाढ़ी पूरी सेट करा के, नीचे से देख रहे हो मेरी गुत्थी नहीं दिख रही उस टाइप की। तो गाइस बिल्कुल मस्त बन चुके, एकदम मस्त मोला होके, सूट वूट पहन के निकल रहे हैं आज ट्रेवर भैया की शादी की बारात में। तो गाइस हमारी स्कॉर्पियो उसने रिजेक्ट कर दी, कह रहा भाई साहब नई गाड़ी में जाऊँगा, लिम्बोजीन में बैठ के। मैंने कहा भाई साहब लिम्बोजीन ले जा, तेरी मर्जी है, तेरी शादी है, एक ही बार ही होगी। तो ड्राइवर भैया ने दूसरी गाड़ी कर ली है, पता नहीं कौन सी लिम्बोजीन कह रहा था कल तक, तो आज पता नहीं कौन सी कह रहा है। बाकी ये देख सकते हो भाई, ड्राइवर भैया की शादी के लिए हम तो निकल चुके हैं यहाँ से अपना बिल्कुल रेडी होके। हम तो अपनी स्कॉर्पियो में जाएंगे आराम से बैठते बैठते, पूरे हिलते डुलते, बाकी सारा हमें सेटअप जाके देखना भी, पूरी मतलब कि अच्छे से तैयारी करनी है ड्राइवर भैया की बारात की, क्योंकि बस वगैरह भी आएगी वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आज क्योंकि शायद लाइन में खड़ी होगी उधर की साइड, वो सब आज आपको दिखा देंगे। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज सारे डीजे कलेक्शन भी आपको पता चल ही जाएगा कि ड्राइवर भैया की शादी में कौन से डीजे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, बाकी कौन से डीजे ठीक होके आ चुके हैं, कौन से सर्विस पे, सारे डीजे आज आपको दिख ही जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी देख सकते हो नशेड़ी आदमी यहाँ पे गाड़ी गुड़ी ठोकते हुए दारू पी के चलाने आ जाते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपना मस्त चिल करते हुए जा रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल मजा आने वाला। ओ नहीं, भैंस की टेंट भाई, स्कॉर्पियो में एक चीज़ तो है, भैंस की बैलेंसिंग है यार, कंट्रोलिंग है, देख रहे हो कैसे भाई कितनी मुश्किल से बचाई है मैंने यहाँ से। बाकी निकल रहे हैं हम तो इधर की साइड से आराम आराम से। ओ ये और भैंस की टेंट, देख रहे हो दुराटे काटते जाती स्कॉर्पियो, आराम से इधर की साइड से निकलेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। बाकी ड्राइवर भैया को कहूँगा एक और बार, भाई साहब स्कॉर्पियो ले ले, स्कॉर्पियो ले ले, पर स्कॉर्पियो लेने को तैयार नहीं है भैंस क्या। बाकी भाई साहब दहेज दूज की डिमांड कर रहा था, मैंने कहा भैंस की टेंट दहेज की डिमांड करेगा तो मैं जाऊंगा ही बारात में, तो भाई साहब वो तो कैंसिल कर दी उसने, क्या रहा था भाई साहब फॉर्च्यूनर चाहिए 4x4 की, तो भाई साहब वो सब चीज़ें तो कैंसिल कर दी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही बेकार होती है, इन्हें IRL भी आप समझ सकते हो गाइस, ये बहुत चीज़ बेकार होती है। एक मैसेज है मेरी साइड से भी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैं इनके अगेंस्ट हूँ। एंड अभी निकलते हैं हम आराम से अपने बढ़िया ड्राइवर भैया की शादी के लिए गोकुल धाम में, जो कि गोकुल धाम में तो गाइस सारी रस्में वगैरह ख़त्म हो चुकी, तो उधर तो नॉर्मल माहौल है। बाकी अपनी जो डीजे वगैरह है वो निकलने वाले हैं अभी उसकी बारात के लिए, मैं लेट ना हो जाऊँ, भैंस की टेंट भाई काफ़ी दूर जाने वाली है। बाकी खरगोश को बचा लेते हैं आज, पहली बार मैंने सोचा कि इसको बचाने का डिसीजन। बाकी लेट्स को चलते हैं अपने ड्राइवर भैया की बारात के लिए, देखने कौन से डीजे आ रहे हैं, क्या तैयारियाँ चल रही है, तो लेट्स गो। गाइस देख सकते हो ड्राइवर भैया की शादी के लिए निकल रहे हैं, बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं अपने गोकुल धाम सोसाइटी के, तो आराम आराम से निकल रहे हैं, पूरे रोडे वगैरह भी खाली है, संडे का दिन है, मस्त चिल कर रहे हैं आज तो बंदे। तो गाइस ओ दिख गई हमारी दुल्हनिया खड़ी है, तो देख सकते हो गाइस हम पहुंच चुके हैं गोकुल धाम के बाहर, और अरे भैंस की टेंट इतनी क्या भाई साहब इतनी लंबी लाइन। एंड बाकी चलो गाइस रुको, यहीं पे खड़े करते गाड़ी अपनी, भाई अंदर जाने का बिल्कुल रास्ता बंद है, तैयारियाँ शेयरियाँ पूरी हो चुकी है आई थिंक,
पूरे रेडी हो चुके हैं, अंदर कुछ रसम वगैरह चल रही है, वो चल रही है। अभी फ़ोन करा था मैंने थोड़ी देर पहले, तो बता रहे थे कि अंदर तो क्या ही आओगे, गाड़ी नहीं आ पाएगी। तो भाई बिल्कुल सही बोला था उनने। बाकी ये देख सकते हो भाई, यहाँ से दिखाते हैं भाई साहब, ये देखो भाई ड्राइवर भैया की शादी के लिए पूरे रेडी हो चुके हैं। डीजे बस ट्रक, डीजे बस, एंड पीछे की साइड क्या खड़ा है, पीछे की साइड अपना कुछ नहीं खड़ा। ओके तो गाइज अपने जो लेके जाने वाले एक ट्रक डीजे लेके जाने वाले हैं हम। ओके अच्छा ये वाला ट्रक डीजे मंगाया है, भैंस की टैट। अरे ड्राइवर बहुत चालाक हो रहा है, भैंस की टैट, नए वाला डीजे ट्रक मंगाया। बाकी दो डीजे ये मंगाए, बाकी अपना फॉर्चुनर डीजे आ रहा है गाइज अभी थोड़ी देर में। फॉर्चुनर डीजे आगे से हमें ज्वाइन कर लेगा। बाकी भाई मस्त लग रहा है अपने सारे डीजे, क्या प्यारे लग रहे हैं। रेंज रोड डीजे बोला था, वो अंदर की साइड खड़ा है शायद, हाँ उसका बोला था गाइज, उसका थोड़ी बैटरी में दिक्कत आ रहा है। तो अभी रेंज रोड डीजे भी आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है भाइयों, क्योंकि बसें वगैरह पूरी रेडी हो चुकी है बारात के निकलने के लिए। बाकी कलेक्शन वगैरह आप देख सकते हो, ये सब चीज़ें आ रही है, एंड काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। गोकुलधाम के अंदर तो क्या ही चलेंगे, रोज उधर ही दिखाते रहते हैं। बाकी यहाँ से देखो भाई क्या प्यारा लग रहा है। तो गाइज एक बार अपना रेंज रोड डीजे भी आ जाए, एंड दूसरा अपना फॉर्चुनर डीजे तो शायद आए या ना आए, या फिर मिनी फॉर्चुनर डीजे वो देखते हैं। पर फॉर्चुनर डीजे हम सोच रहे हैं कि सिटी के अंदर से करें, क्योंकि उसका माइलेज आजकल थोड़ा खराब हो रहा है। बाकी काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। पहले रेंज रोड डीजे, एक दो डीजे और आ रहे हैं, उनको भी बुला लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको पूरा कलेक्शन शादी का। गाइज अपना रेंज रोड डीजे भी आ चुका है, देख सकते हो गाइज कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल क्लीन होके आया, बिल्कुल रेडिश होके, देख सकते हो भाई रेंज रोड डीजे अपना कितना मस्त लग रहा है। ये देखो भाई आगे से देखो भाई, जो रेंज रोड डीजे भाई एक नंबर लग रहा है, देख सकते हो। बाकी अपनी बस वगैरह तो गाइज यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिक सी चीज़ की यहाँ पे सारे डीजे खड़े हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है आने जाने में। तो मेरे को बोला ड्राइवर ने कि भाई साहब वो आगे जो डीजे वगैरह खड़े हैं वो ज़्यादातर किसी को चलाने नहीं आते, और जो मेरे ड्राइवर वगैरह हैं अंदर खाना वगैरह खा रहे हैं जो शादी के खाना। तो भाई साहब मैं क्या करूँगा, आज इनको आगे की साइड पार्क करता हूँ, पूरी चीज़ें दिखाता हूँ एक एक चीज़ों की। ये देखो भाई साहब, एक तो ये है अपना गब्बर डीजे, भाई साहब पूरी ब्लैक फिल्म करा रखी है, एंड काला कलर करा रखा, मैंने कहा था और कलर लेके आई हो, ये शुभ नहीं है काला कलर यहाँ के लिए। तो गाइज अपना ब्लैक कलर का डीजे तो यहाँ पे आ चुका, अपना गब्बर डीजे देख सकते हो। बाकी और भी डीजे हमें इधर की साइड लेके आने, काफ़ी ज़्यादा काम आ गया मेरे को यहाँ पे आते, एंड अपनी स्कॉर्पियो आप सब लोग सोच रहे होंगे कहाँ पे गई है, तो मेरी स्कॉर्पियो भी मैंने भेजी है भाई साहब थोड़े काम के लिए, तो वो भी आ जाएगी थोड़ी देर में, कुछ लेने के पान वगैरह लेने के लिए भेजा है, तो भाई साहब वो भी आ रही है। बाकी अपना पूजा डीजे भी जा रहा है, देख सकते हो भाई पूजा डीजे भी जा रहा अपना ड्राइवर की शादी में, तो देख सकते हो इधर की साइड खड़ी कर देते हैं बस आराम से इधर की साइड, ये बस। तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज तो। ओहो हो भाई साहब कहते हैं आप बस चला के देखेंगे, यार ये वाली बस कौन सी है, भैंस की टेंट, बस के गेट तो पता है मुझे पर है कौन सी है, मतलब पावर वाली हाइड्रोलिक वाली है कौन सी है, यहाँ से इसमें से घुसते हैं। चलो भाई साहब तो ये देख सकते हो भाई, ओके तो गाइज ये वाली बस भी जाने वाली है अपने ड्राइवर भैया की शादी में, देख सकते हो। ओ ये क्या लग रही है भाई साहब, पूरा मोजी बांधेगी आज तो है, और भाई साहब काफ़ी लंबी है, तो भाई साहब लग ना जाए तो उसके हिसाब से हमें चलानी पड़ रही है आराम आराम से। ये तो भाई ये बस यहाँ पे सेट कर देते हैं बस। तो भाई साहब ये उतरते गेट देखो कैसे खुल रहे, डीटीसी वाली बस है ये भैंस की, इसमें तो काफ़ी बंदे आ जाएंगे, वैसे काफ़ी बंदे कह रहे थे हम सिटी से ज्वाइन करेंगे, काफ़ी गैंग वाले भी आने वाले, वो भी कह रहे थे कि भाई गाड़ियाँ तो अलाउ नहीं करी हमने, क्योंकि ज़्यादा गाड़ियाँ अलाउ कर दी तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती, तो गाड़ियाँ तो कम ही रखी हमने। बाकी अपना ट्रक डीजे देखो भाई साहब, ओ ये ओ भाई साहब क्या लग रहा है, आइए और ट्रक डीजे तो गाइस ट्रक डीजे भी अपना जा रहा है अपने ड्राइवर भैया की शादी में। ओ ये भाई साहब क्या लग रहा है, ये देखो भाई साहब ट्रक डीजे, ओ भाई साहब आराम आराम से भाई ट्रक डीजे को देखो, ये ट्रक डीजे भाई का तीन धुआं ठा रहा है, आइए भाई साहब ट्रक डीजे नहीं मान रहा भैंस की टैंट ड्राइवर भैया की शादी में, भाई साहब कभी धुआं ठा देंगे ट्रक डीजे से भी। बाकी ये वाला ट्रक डीजे यहाँ रहेगा, इसके पीछे एक बस रखेंगे, जो बस में भाई पूरी इंजॉयमेंट ले सके बंदे, उस हिसाब से हमने रखी है चीज़ें। बाकी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप सब लोगों को, ये तो हमारी गारंटी है। बाकी ये घर की साइड से बस में बैठते हैं आराम से, ये बस अब बस लगाएंगे। देखो दो बस मंगा ली है, तीन चार डीजे मंगा ली, इतना काफ़ी होगा, बाकी और पर्सनल गाड़ियाँ भी लेके आएंगे सीधा, वो वहीं पे पहुँचेंगे। बाकी अब हम तो अपनी पर्सनल गाड़ी स्कॉर्पियो के लेके चलेंगे, ड्राइवर भैया की जो गाड़ी है वो भी रेडी होने गई है, तो भाई बस को थोड़ा चाहिए स्पेस, तो मैं इधर की साइड घुमाने आए हैं इसको, क्योंकि वहाँ पर देख सकते हो स्टैंड वगैरह लगा दिया, तो उसकी वजह से घूम नहीं सकती। बाकी ये देखो ये भाई साहब बस भी आ चुके ड्राइवर भैया की शादी में, ओ ये तो भाई साहब पूरी लाइन से खड़ी कर दी है सारी चीज़ें, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। आप से भी उतरते हैं आराम से नीचे, एंड अब अपना रह गया रेंज रोड डीजे। रेंज रोड डीजे जाएगा एक, शायद जो हमारा फॉर्चुनर डीजे सिटी से ज्वाइन करेगा वो करेगा, एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे भाइयों। तो भाई एंड ड्राइवर भैया तो कह रहे हैं कि हम तो अलग ही गाड़ी चाहिए, ये वो पता नहीं, अभी भी नाटक चल रहे, पता नहीं क्या उसको जो चाहिए होगा वो देख लेगा। बाकी सबसे लास्ट में ये रखेंगे ड्राइवर भैया की जो गाड़ी रखनी चाहिए वो कहाँ पर रखें,
हिसाब लगाना पड़ेगा गाइस कौन सी जगह ड्राइवर भैया की गाड़ी रखी, तो क्योंकि सबसे आगे तो नहीं रख सकते, इतना है बीच में रख सकते हैं और सबसे पीछे भी नहीं रख सकते। तो सबसे जो मेन चीज़ है मेरे हिसाब से जो मेरे को लग रही है वो लग रही है कि हमें इसको बीच में, अरे भैंस की टाइट, अरे बंद कर दे रेंजर और का ये, वरना यहाँ पे कोई आएगा ना पीछे से उड़ा के चले जाएगा। बाकी ये देखो भाई साहब क्या लग रहा, भाई साहब पीछे से एक फोटो वगैरह खींच रहे थे, क्या मस्त लग रहा भाई, ये देखो ये भाई साहब मजा आ जाएगा आप सब लोगों को भी, ये देखो। तो गाइस ट्रेवर भैया की शादी के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है, सारे डीजे वगैरह पहुंच चुके हैं एंड अपना ट्रक डीजे वगैरह भी आ चुका है, बसें वगैरह भी आ चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला। बाकी आगे की साइड से देखें तो कितनी चीज़ें जा रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चीज़ें निकलेगी यहाँ से, तो भाई काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है आप सब लोगों को एंड काफ़ी भाई धुमाई उठा देंगे कति, एक नंबर भाई साहब पार्टी पुटी हो जाएगी पूरी, मजा आएगा। तो गाइज अभी होना क्या है कि हमें करना है कि ये सीन के हमें ड्राइवर भैया की गाड़ी का इंतजाम करना है एंड अपना फॉर्च्यूनर डीजे सिटी के लिए बोल देना कि सिटी की साइड से आ जाना है, तो एक बार वो सब चीज़ें करते हैं फिर आप सब लोगों से। सो गाइज अपना मिनी फॉर्च्यूनर डीजे भी आ चुका है, कितना प्यारा लग रहा है, ओ ये तो भाई साहब इसको तो लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे, बाकी ये देखो मिनी फॉर्च्यूनर डीजे क्या दुराटे काट रहे हैं यहाँ पे, ओम्पो भाई साहब ओम्पो ही कर दे रहा है। तो गाइज मिनी फॉर्च्यूनर डीजे को एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया, जो बच्चे वगैरह चलाने के लिए बच्चे वगैरह कह रहे थे कि कुछ मिनी मंगाया जाए, और ड्राइवर की भी डिमांड थी कोई जो उनके रिश्तेदारी में आए हुए, तो काफ़ी भाई कह रहे हैं मिनी डीजे भी मंगाओ मिनी डीजे मंगाओ, तो हमने मिनी फॉर्च्यूनर डीजे मंगा लिया खेलने के लिए, मतलब कि बारात के बीच में वो भी गाने चला सकते हैं, इसके बेसिस पे बच्चे जो होंगे भाई साहब इस वाले डीजे पे आराम से अपना चिल कर सकते हैं, जो बड़े बूढ़े हैं वो उधर की साइड कर सकते हैं। बाकी देख सकते हो मिनी फॉर्च्यूनर डीजे क्या लग रहा है, ओ ये अरे भाई साहब आराम ना, नहीं भाई साहब तो मिनी फॉर्च्यूनर डीजे के साथ इधर की साइड स्टंट कर रहे हैं, अंदर की साइड पूरी रस्में वगैरह चल रही है, कह रहे कि भाई टाइम लगेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा गाइस बारात निकलने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होने वाली है। सारी जो कलेक्शन है वो तो लेके आ चुके हैं हम पूरे भाई, जितने मिनी फॉर्च्यूनर डीजे से आपको स्टंट दिखाए, और भैंस की टंट अभी तो स्टंट के चक्कर में हमारे स्टंट हो जाता, बाकी भाई काफ़ी ज़्यादा पावर लगती है मिनी फॉर्च्यूनर डीजे को चलाने में, ये देखो भाई पूरे धराटे तो एक नंबर काटता है भैंस की टंट, ये देखो ओ ये, तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड कुछ कलर वगैरह के लिए भी कह रहा है कि यार ब्लैक कलर नहीं कराना चाहिए, वो कराना चाहिए, फलाना ढिमका भैंस की टेंट ही कर रहा भाई, ड्राइवर ने इतने नखरे कभी नहीं किए, पर मैं सोच रहा हूँ एक बार शादी है तो हो जाने दो भैंस की टेंट, फिर तो इसकी गुद्दी तोड़ूंगा, या जो मेरे पैसे फंसे हुए हैं जो 2 करोड़ रुपये मेरे इसने ले रखे हैं वो भी मिल जाएंगे, अगर इसकी शादी सक्सेस होगी तो कुछ तो मिलेगा ही ना इस हरामी को, बाकी जो प्रमोशन वगैरह भी हुआ है वहाँ से भी कुछ पैसे मिलने वाले, तो काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। ये देखो भाई दुराटे कटवा रहे अपने फॉर्च्यूनर लेजेंडर डीजे से, ओ ये भाई साहब कितना मस्त है यार, ये ड्रिफ्टिंग में तो एक नंबर है, तो भाई साहब इसको लगा देते हैं सबसे आगे इधर की साइड आराम से, ये तो भाई ये अभी मैं रिमोट से कंट्रोल से चला रहा हूँ अपने गब्बर डीजे गूदली के अंदर से बैठे हुए, तो देख सकते हो गाइस बाकी तो ये अपना रिमोट कंट्रोल डीजे काफ़ी मस्त है। बाकी अभी गाइस पूरी छानबीन करते हैं अभी बारात का क्या सीन है, फिर आप सब लोगों को मिलते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो आज हमने दिखा दिया आप सब लोगों को अपना पूरा कलेक्शन एंड ड्राइवर भैया थोड़ा डिले कर रहे हैं शादी को, कह रहे हैं कि भाई साहब एक दो डीजे अच्छे से नहीं करवाए तो इनको कराने जाना पड़ेगा, फिर आप सब लोगों को बारात दिखानी पड़ेगी। तो गाइस ठीक है फिर आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप करते हैं आपको मज़ा आया अपना कलेक्शन देखने में, जो कि आपकी श्योरिटी हो गई होगी कि कौन से डीजे जाने वाले अपने, ये देख सकते हो भाई, तो अब से आगे रहेगा अपना मिनी फॉर्च्यूनर डीजे, फिर होएगा गब्बर डीजे, गब्बर डीजे का कलर पसंद नहीं आ रहा, कह रहा है कि ब्लैक कलर नहीं कराना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ट्रक डीजे और उसकी शादी की जो गाड़ी आने वाली थी उसमें भी थोड़ा डिले हो रहा, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला जब बारात निकलेगी। तो ठीक है गाइस फिर आज की वीडियो इतने रखते हैं, होप करते हैं आपको मज़ा आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, तैयार हो जाओ, जो कल का धमाका होने वाला ड्राइवर की शादी का वो किसी ने नहीं देखा होगा, ऐसा होने वाला, काफ़ी चीज़ें अभी बाकी है यहाँ पे मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, तो ठीक है गाइस चंगा फिर अगली गेड़ी।